तो ऐसा है, एक वाकया है भगवान बुद्ध के समय का, कि एक बार भगवान बुद्ध कहीं विहार कर रहे थे जंगल में, तो वहाँ एक आदमी आया। उसने भगवान बुद्ध को बहुत निंदा किया, भगवान के बारे में बहुत बुरा भला बोला, और इतना गुस्सा आया कि वहाँ ज़मीन पे थूकने लगा, ज़ोर ज़ोर से पांव दबाने लगा, बहुत उसने आक्रोश दिखाया, और वो सब करने के बाद वहाँ से चला गया। दूसरे दिन फिर वो वापस आया, और अब भगवान से उसने माफ़ी मांगा, बोला कल मेरे से गलती हो गया। फिर वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, तो उसके बाद फिर वहाँ से गया। तो आनंद ने भगवान से पूछा, भगवान उसने कल आपको बहुत गाली दी, निंदा किया, आज आपके सामने पछतावा किया, और ये सब करके चले गया, आपने उससे कुछ बोला ही नहीं, ये क्या बात है? तो भगवान ने फरमाया कि देखो आनंद, शब्दों में वो दम ही नहीं है, शब्द का अपना एक सीमा होता है। आदमी जो अनुभव कर सकता है वो शब्दों में बता नहीं सकता है, न क्रोध बता सकता है, न करुणा बता सकता, अंदर जो फीलिंग होता है किसी के बारे में जो होता है, वो बताना शब्दों में मुश्किल है। ठीक इसी तरह आज के 14वें दलाई लामा जी के बारे में कुछ बताना, मेरे जैसे जिसको बोलते हैं ना फलपा, मामूली आदमी की हमारी शख्सियत ही नहीं कि हम उनके बारे में शब्दों में बोले। फिर भी जब आपने कहा तो मैंने थोड़ा सा ध्यान किया, और मैंने सोचा मैं यूं बोलूँगा अपने मामूली बहुत ही सीमित शब्दों में कि दलाई लामा जी है वो आज के दुनिया में बहुत ही बड़ा शीलवान भिक्खु है, जिनके शील बहुत अच्छा है, उसी शील के आधार पे उनका समाधि भी बहुत अच्छा है, ये दुनिया देखता है, और शील और समाधि के उस आधार पे उनके ज्ञान का क्या कहना। आज वो पूरे दुनिया को ज्ञान दर्शन हर चीज़ करते हैं, तो दलाई लामा शील समाधि ज्ञान तीनों चीज़ का एक बहुत ही बड़ा मॉडल है। और फिर आता है राग द्वेष, दलाई लामा को किसी चीज़ से राग नहीं है, वो ये नहीं कहता मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, उनके पास तो मेरे ख्याल में हवाई चप्पल और वही उनका एक सिंपल भिक्खु का जो चीवर है वही है, और उनको ना कोई पावर चाहिए, किसी चीज़ का राग नहीं है, द्वेष तो उनमें बिल्कुल नहीं है। जिस चीनियों ने उनके मुल्क को खाया, उन्हें पोतला से बाहर आने के लिए मजबूर किया, उनके प्रति ज़रा भी द्वेष नहीं, बल्कि करुणा मैत्री और सद्भावना है, बरसाते हैं, चित्त से उनके हमेशा करुणा निकलता है, तो राग द्वेष को भी वो ऐसे त्यागते हैं। फिर मोह, उनका अपना मोह अंधकार तो है ही नहीं, ऊपर से हमारे जैसे मामूली आदमी पूरे दुनिया में हमारे मोह अंधकार को वो हटाने के लिए थोसम गुम यानी कि श्रुत चिंतन ज्ञान का हमेशा वो प्रयास करते हैं, पूरे दुनिया पे छाए हुए हैं। तो मुख्तसर मेरे जैसे आदमी मामूली आदमी यही कहते हैं कि दलाई लामा शील समाधि ज्ञान में बिल्कुल पुष्ट है, बिल्कुल एस्टेब्लिश है, और राग द्वेष मोह के बिल्कुल वो ऐसा उसको हटा के बैठे हैं कि वो एक जीता जागता सूरज जैसा है। और संक्षेप में ये मैं बोलना चाहूँगा कि दलाई लामा एक कड़ी है नालंदा के ट्रेडिशन का, परंपरा का, नालंदा में जो परंपरा है उसका एक जीता जागता एक भिक्खु, बिल्कुल एक इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ये अवतारी है नालंदा का। तो इससे ज़्यादा पवन पूजा दलाई लामा जी के बारे में मेरे में बिल्कुल दम नहीं है बोलने का। और हम लोग, हम सब सारा दुनिया में जो जो दलाई लामा जी से जिनका संपर्क है, हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत है इस समय में पैदा हुआ जबकि एक दलाई लामा जी पूरे दुनिया पे छाया हुआ है, शास्त्र से नहीं ज्ञान से, क्रोध से नहीं करुणा से। मेरे लिए जन्मदिन पर सबसे उत्तम उपहार, आप जहां भी रहते हो कोशिश कीजिए कि एक करुणामयी समाज और वातावरण का निर्माण करें। मुझे मेरी जन्मदिन पर सबसे अच्छा उपहार ये होगा कि अब अपने हृदय और मन को करुणामय बनाइए, दूसरों के लिए वास्तव में फिक्रमंद रहे, ऐसे विचारों को मन में आत्मसात कर यदि संभव हो तो दूसरों की मदद करें, पशु पक्षियों की मदद करें,
और यदि दूसरों की सेवा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उन्हें हानि पहुंचाने से बचें।